dear students, as you know that your revision is going on. So before I start the revision work, I will tell chapter which will come. Okay, first chapter है आपका wake up. You have to see the video of wake up. I have sent the video and you will see the video and understand. And some revision work I am giving. Okay. So chapter 1, chapter 2, Neha's alarm clock, chapter 3, run, chapter 4, Nasruddin's aim, chapter 5, chapter 6 है ये, और फिर आपका है chapter 8, Alice in Wonderland, okay, grammar chapter 1 और chapter 2, okay, next, अब आते हैं, start करते हैं revision, first है आपके word meaning, first है आपका lovely, lovely का means क्या होता है, very beautiful, okay, and नंबर टू है आपका बजिंग. बजिंग का होता है हमिंग साउंड, जो हमिंग जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं हूँ कर देती हैं, दैट वन. स्लीपी हेड मीन्स अ स्लीपी पर्सन, एक जो नींद वाला, बहुत नींद आ रही है, तो दैट वन. ओके, टाइनीएस्ट मीन्स वेरी स्मॉल. नंबर फाइव, स्नगल्स मीन्स, स्नगल का मतलब होता है टू बी इन अ कम्फर्टेबल पोजिशन. ओके, एक ऐसी पोजिशन में बैठना जिसमें आपको नींद आ जाए, बहुत आराम से बैठ जाना. ओके, नंबर सिक्स है आपका मटर्स. मटर्स का मीन्स क्या होता है, एनी से समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस, कोई चीज़ कोई बात कहना बहुत ही हल्की आवाज़ में, मतलब कान में खुशू खुशू करना होता है ना, दैट टाइप. चैटिंग, टू टॉक इन अ फ्रेंडली वे, किसी से बात करना वो चैटिंग हो गया. ओके, आर्चरी, शूटिंग विद अ बो एंड एरो, किसी को तीर धनुष से मारना. नेक्स्ट है आपका ट्रियोफेंथली, मीन्स हैविंग अचीव्ड विक्ट्री, आप जीत गए हैं तो उसमें बोल को बोलेंगे ट्रियोफेंथली. ओके, नेक्स्ट है आपका क्यूरियस, का मीन्स क्या होता है, ईगर टू नो, कि जाने के लिए बहुत ही उत्सुक है. स्कैम्पर का मीन्स होता है टू मूव इन अ हरी, बहुत ही स्पीड में भागना. नंबर ट्वेल्व है आपका हरिट मीन्स रश, ये भी होता है स्पीड में, मीन्स बहुत ज़्यादा आपको जल्दी वल्दी मची हुई है कि हाँ करना है. थर्टीन है आपका विस्कर्स मीन्स लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स, जिनकी मूछें होती हैं एनिमल्स की. पॉप्ड मीन्स टू गो समवेयर विदाउट एनी नोटिस, ऐसे के जाना किसी नोटिस के बिना. ओके, ये तो हो गया आपके वर्ड मीनिंग. अब आते हैं फ्लफ्स पे. देर इज़ नॉट लॉट ऑफ फ्लफ्स यू कान डू. ओके, फर्स्ट है आपका एलिस वॉज लेइंग अंडर एलिस कहाँ लेटी हुई थी, ट्री के नीचे. ही सी सा वाइट रैबिट स्कैम्पर वाई, उसने क्या देखा, एक वहाँ वहाँ से एक रैबिट है, वो बहुत स्पीड में भागता हुआ जा रहा है. नंबर थर्ड है आपका सी डैश द वाइट रैबिट, उसने वाइट रैबिट को क्या किया, उसने वाइट रैबिट को फॉलो किया. थम, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, किसके ढेर पे गिर गई, सूखे पत्तों के ढेर पे आराम से धम थम से गिर गई. नेक्स्ट नंबर फाइव है एलिस स्टूड अप एंड सा स्मॉल डोर 15 inches, उसने क्या देखा, जब वो खड़ी हुई तो उसने क्या देखा, 15 inch का डोर. अब आते हैं नंबर सिक्स, इसमें आएगा वॉज ए वर्ब, राम डैश ऑफ गुड फुटबॉलर, यहाँ पर क्या आएगा, वॉज, राम वॉज. अगर कोई चीज़ एक होती है तो वहाँ वॉज आता है, अगर वो चीज़ ज़्यादा है, वन से ज़्यादा है, तो वहाँ वर आएगा. ओके, डब्ल्यू ई आर ई वाला वर्ब. अब इसको अब ज़्यादा कैसे चलेगा पता, अगर वर्ड्स किसी भी वर्ड की नाउंस क्या आया क्या लिखा होगा, अगर वो नाउंस वन है तो एस यस नहीं लगा होगा, अगर वो वन से ज़्यादा है तो आप एस लगा होगा. अभी कितनी काव है, बहुत सारी काव है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर, द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. नंबर एट है माई टॉयस, बहुत सारे टॉयस है तो क्या आएगा, वर. क्लियर, ऐसे इसकी कुछ एक्सरसाइज है फोर, ये अपने आप करेंगे फोर वर्ड्स, ये तो कर लेंगे. सिंगल होगा तो वॉज, अगर मैं नहीं है तो वर, और आपको इसमें केवल वॉज या वर ही फिल करना है, वॉज या फिर वर में से फिल करना है. क्लियर, ओके. चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम की डेट और पैटर्न कैसा है. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज़ योर पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम. 30 मिनट्स का आपका भी एग्ज़ाम होगा. आपने अगर सपोज आपको हमने एग्ज़ाम 3 o'clock पर सेंड किया है तो 5 o'clock तक आ जाना चाहिए, अगर उसके बाद में आएगा तो वो आपका एग्ज़ाम एक्सेप्टेबल नहीं होगा. क्वेश्चन भी लिखने हैं, बिना क्वेश्चन के आंसर नहीं करना है. MCQs 10 marks के होंगे, 1 marks का पर आएगा. ओके, 10 होंगे MCQs, फिलअप्स होंगी 5 और पर फिलअप्स 0.5 marks की होगी. मैचिंग तो है नहीं, वन वर्ड है, वन वर्ड ने बहुत कुछ कराया मैंने, वो कराऊंगी. 5 होंगे, पर मार्क्स होगा 1 और 5 होंगे. ओके, 5 मिलने का आपको, क्वेश्चन आंसर होंगे आपके 5 और पर क्वेश्चन होगा आपका 2 marks का. और डायग्राम तो है नहीं, वर्ड मीनिंग है, 5 वर्ड मीनिंग होंगे और पर वर्ड मीनिंग होगा आपका 0.5 marks का. ओके, अब आपका एग्ज़ाम शीट तो आपने देख लिए. सो स्टूडेंट बी प्रिपेयर, प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम्स के लिए. ओके,
So bye bye, take care, watch this video carefully.